गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आपका वेलकम है मेरे को न्यू व्लॉग में। आप आए हैं आदर्शनी व्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का टाइम है, आप पीछे देख सकते हैं कि कितना कोहरा आ चुका है यहाँ पे। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है मुझे तो। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप डिग्गी को देख सकते हैं, तो मुझे से अपना बोरी पे लेटा हुआ पर भी ठंड लग रही है। देखिए डिग्गी को आराम से लेटा हुआ पर ठंड लग रही है। डिग्गी ठंड लग रही है क्या? डिग्गी देखो फ्रेंड से पूछ लाता है जब भी मैं जाता हूँ। डिग्गी ठंड लग रही है? फ्रेंड देख सकते हैं कितनी मोटी जंजीर से बांध रखा है, पिटबुल टेरियर है, यूं तोड़ देता है। डिगी ये कह रहा तू क्या करेगा, शूटर जैसा आया फ्रेंड से पूरा शूटर देखो। तो फ्रेंड्स आप कोहरा देख सकते हैं यहाँ कितना आ रखा है। ओ फ्रेंड देख लो आप, कोहरा ही कोहरा कितना आ रखा है। आज तो जूम करके दिखाता हूँ फ्रेंड, देख लो धुंध कितनी छा रखी है। आज तो बहुत ज़्यादा धुंध आ रखी है। दिन में तो गाय यहाँ पे अपना खाना चारा खाती हैं, पर इस टाइम आपको पता ही होगा रात के टाइम सर्दी बहुत होती है, तो इन्होंने इसलिए हमने अंदर बांध रखी है। और अपनी गाय को देख सकते हैं, अपनी बच्चिया को कितने मज़े से दूध पी रही है। फ्रेंड जैसे हम ठंडों के टाइम में मुँह पे मुँह से ऐसे हवा निकालते हैं, आपको धुआं नहीं दिख रहा होगा पर कैमरे के अंदर पर ऐसे हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि नैनीताल के पास का इलाका है, तो यहाँ पे ओबियसली ठंड तो होगी इतनी। और मैं तो यहाँ पे आराम से आग के आगे बैठा हूँ, मैं इसे हाथ सेक रहा हूँ फ्रेंड्स। ना तो इतनी ठंड में रुकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो आग सेकने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी तरफ धुआँ आ रहा है, तो अपनी चेयर को मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। और धीरे धीरे कोहरा और बढ़ता ही जा रहा है फ्रेंड्स, कम नहीं हो रहा। मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स दोस्तों हाथ दिखने में। मज़ा आ गया फ्रेंड्स आज। थोड़ी धीरे हो रखी है तो महावीर अंकल फूंक मारेंगे इससे। देख सकते हैं फ्रेंड्स अब आँच तेज हो गई। देख सकते हैं धुआं भी कितना हो रहा है फ्रेंड्स, कोहरा तो कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे। अरे बन गए, ये हमने ईंटों का चूल्हा बनाया है अपना। ये कितनी देर में बन जाएगी? पागल ने अभी तक खोली नहीं। अच्छा अभी टाइम लगेगा। सकते ये आग है, चूल्हे पे हमने आग लगा रखी है। और भैया अब तो दम तो अपने हाथ सेक रहे हैं। मस्त मस्त फ्रेंड्स मुझे आ रहा है, देख सकते हैं आप। अब तो आँच आँच बची है बस, आग तो ख़त्म ही हो गई। ओह यहाँ पे पता नहीं किसी ने वो महावीर अंकल ने अपने चावल बना के रख रखे हैं, नहीं दलिया बना रखा है फ्रेंड्स से बताओ, कुकर में दलिया और वो भी चूल्हे पर। फ्रेंड्स देख सकते हैं मामी वहाँ पे दूध निकालनी है। फ्रेंड देख लो आप, मैं तो मजे से उसके नीचे का हाथ से ही करा हूँ अपना। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, देखो फ्रेंड्स कैसे मस्त हो रही है एकदम आज। फ्रेंड्स और यहाँ पे वो रखी है पालक, छोटी छोटी पालक है देख सकते हैं आप, ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी टाइम लगेगा। मैं तो अपनी इस कुर्सी पे बैठ के अपने मेरे साथ से ही करता फ्रेंड्स, थोड़े बहुत सेक के चलते हैं फिर। फ्रेंड्स एक ही बहुत बढ़िया बात है कि कल हम एक बिल्ली ले आए, एक और मस्ती बिल्कुल वाइट रंग की एकदम, तो बहुत प्यारी लग रही है तो देखने में। आपको दिखाता हूँ अभी, ज़रा दोनों बिल्ली है ना अपने हमारे पास मामा के घर पे, दोनों हमने अलग रख रखी हैं क्योंकि नहीं मतलब अलग नहीं, एक साथ में दोनों खेलती रहेंगी आराम से। और आपको भी दिखाता हूँ उनके रूम में जाता हूँ कि बस वो सफ़ेद वाली बिल्ली शांत है, वो काली वाली बिल्ली बहुत ही वो तेज़ है। मैंने तो दोनों के नाम भी रख दिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारे प्यारे नाम रखे हैं, आपको बताऊँगा अभी पहले उनको दिखाता हूँ।
कहते हैं कि दोनों बिल्ली आ चुके हैं यहाँ पे गेट पर रसोई के वाले। ये वाली बिल्ली है फ्रेंड जो नहीं लाए हैं। चल साइड हो, इसका नाम है, देख देखो फ्रेंड, इसका नाम है म्याऊं म्याऊं, उसका नाम है पुसी कैट। म्याऊं म्याऊं पुसी कैट, आ जाओ म्याऊं म्याऊं पुसी कैट। फ्रेंड से दोनों एक ही उम्र की हैं, इन दोनों की जोड़ी खूब जम रही है, मेरे से पूरे दिन खेलते रहते हैं। देखो म्याऊं म्याऊं कैसे कर रही है मेरे साथ, म्याऊं 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 म्याऊं, अरे म्याऊं म्याऊं। फ्रेंड सब मैं उधर जाता हूँ, देखते हैं कि ये बिल्ली मेरे पीछे पीछे आएंगी कि नहीं आएंगी। म्याऊं म्याऊं पूछी कैट, म्याऊं म्याऊं तो फ्रेंड्स आ चुकी है। पूछी कैट, पूछी कैट, पूछी कैट कहाँ है? पूछी कैट को बुला के ला चल। पूछी कैट कहाँ है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स अभी पुसी कैट को इतनी आदत नहीं है कि ऊपर से नीचे चली है, क्योंकि कल ही तो यहाँ पे आई है इसे यहाँ पे रहने के लिए, तो अभी ये उसको आदत सिखा देगी कि ऊपर और नीचे आने में कितना कम टाइम लगता है। इसलिए वो आराम से ऊपर रहती है, उसे लग रहा है कि चोट ना लग जाए। आप देख सकते हैं म्याओ म्याओ एकदम पुछ म्याओ म्याओ एकदम आ जाती है, पुसी कैट वहीं पर बैठी है। फ्रेंड्स म्याओ म्याओ बहुत तेज है, पुसी कैट बहुत शान शफाफ की है। अभी मैं शूटर के पास रखते हैं, शूटर मेरे साथ बहुत खुश हो रहा है कि मैं बड़े दिनों बाद आया हूँ, 2-3 दिन बाद। तो फ्रेंड्स मैं ब्लॉग एंड करा, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। और तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना। टच।